हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चप। देखिए हमारे आलू चप जो है वो देखने में कितने यम्मी और फ्लफी लग रहे हैं। तो चलिए हम इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मसाला देख लेते हैं। मसालों में मैंने लिया लहसुन, अदरक, जीरा, हरी मिर्च और काली मिर्च। इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे और थोड़ा सा हम ये आलू में भी मिला लेंगे और थोड़ा सा बेसन में भी मिला लेंगे। अब हम आलू को भून लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में जीरा लिया, उसमें मैंने प्याज डाला है। प्याज अच्छे तरीके से भुन जाने के बाद जो मसाले मैंने दिखाए थे आपको, उसमें से आधे मसालों का पेस्ट हम इसमें डाल लेंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, जब तक इसमें से ऑयल रिलीज हो जाए तब तक हमें इसे मसालों को भूनना है। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे और मसालों के साथ इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे इसके टेस्ट के लिए। अब हम जो आलू का मसाला है उसको हम छोटे छोटे टिक्की के साइज के शेप दे देंगे। और ये देखिए मैंने एक टिक्की का शेप दे दिया है। इसी तरह हम सारे आलू को टिक्की के साइज में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। और उसके बाद हम इसे बेसन में लपेट के इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली है। तो चलिए अब हम इसके लिए बैटर तैयार करते हैं, बेसन का घोल। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कटोरी बेसन। बेसन में मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा स्वादानुसार नमक और फिर जो मसाले मैंने दिखाए थे उसमें से आधे मैंने बचा के रखे थे उसका पेस्ट मैंने डाल दिया है। इस तरह से पीसे हुए मसालों का टेस्ट डालने से बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अब हम इसमें पानी डालकर इसका पतला सा घोल तैयार करेंगे। घोल ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसी कंसिस्टेंसी में आपको घोल तैयार करना है। हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें जो आलू की टिक्की बनाई थी उसमें हम बेसन लपेट कर उसे कढ़ाई में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया है। हमें इसी तरीके से इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसे पलट कर दूसरी तरह से भी अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है। अब मैं इसे पलट कर अच्छी तरीके से सेक लूँगी और ये गोल्डन ब्राउन होने पर इसे हमें बाहर निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो आलू चॉप है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे सर्व कर लेंगे। मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया और चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम